चलता हूँ आज किसानी करने। पहले खाद बोएंगे सदा के। आ गई सरसों बोने की बारी। पैरों दर्द करने लगा, हाथों गोड़ों साहब धीरे धीरे किसी तरह से चल रही हैं। मैं न्यू ब्लॉग कैसे हो आपसे उम्मीद अच्छे होंगे। मैं ये चाहूँ स्वागत करता हूँ आज के एक न्यू ब्लॉग में। अभी का क्या है, यहाँ से खाद रखा हुआ था, खाद ले लिया, ले चलता हूँ। यहाँ बाहर मम्मी खड़ी हैं। हाँ, बिट्टू यहाँ पे क्या कर रहे? बिट्टू क्या कर रही हो? ट्रैक्टर लेके आ रही है बुआ। हमारी बिट्टू अपने गाड़ी पे धुल रहे हैं, हम अपने बीज को यहाँ पे फरुआ लेके चल रहे हैं गाड़ी से खेत में। आ गए अपने खेत पे। तो दोस्तों वो रहा मेरा खेत और अभी हम बीज लेके आ गए हैं। गुड्डू मिले हैं, गुड्डू से बातचीत की। गुड्डू पीछे वहाँ जा रहे हैं। अभी जो है ट्रैक्टर वहाँ दूर है, ट्रैक्टर आने में कुछ समय लगे, तब तक हम खेत में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कमी है खेत में। आ रहे हैं खेत की हमारी देखने की, खेत का हाल कैसा है इनको पहले जानने दें, देख के आएंगे। एक खाद और बीज। और चाचा का लड़का वहाँ पे खेत में जो है अपना बुआने के लिए तैयार है, उनके बो रहे हैं। मैं भी अपना लेकर चलता हूँ आज किसानी करने। क्यों ठीक रहेगा? हाँ ठीक बा। जो 10-15 साल पहले मैंने छोड़ दिया था, फिर इस बार सोचा कि दिया हम लोग दिए थे, वो जो वहाँ पोखरा दिख रहा है वहाँ पे कुछ गड्ढा है, वहाँ पे नहीं कुछ हो पाया। तो इस बार मैंने कहा कि खुद ही बोया जाए, खेती करने का कुछ अलग ही आनंद होता है। बाकी चाचा हमारे खेत में काम कर रहे हैं, और चाचा का लड़का सुक्खू। पहले खाद बोएंगे, बीज वहाँ पे है, और गुड्डू भाई इस बार हमारा खेत बोआएंगे। क्यों गुड्डू भाई? हाँ डैया है केवल। अरे भाई उधर हमारे चाचा का खेत जोता रहा है, इधर लड़का बैठा है, चाचा का लड़का, उसको भी जोताने के लिए। मम्मी को भी लाया हूँ दिखाने के लिए पहली बार। 13 दिन पहले मैंने खेत को जुताई की थी, गुड्डू भाई पहले से जोत लिए। आज फ़ोन किए कि भाई आज जोता लीजिए, हमने कहा ठीक है भाई आज मेरा भी जोता जाए। 8 किलो कम नहीं पड़ी? हाँ हो जाए ना, पर्याप्त बात तो ठीक हुआ। बाबा चिंता ना कर, पैसा तो आ रहा है। पैसा आइले पहले पैसा ले लो बाबू। 1300 बा। अरे बिन्ने बिन भाव इनके बढ़ गए बा, इनाय की जो पाव जितने पाई अपन ले जोती हैं अपन। हाँ आधा इधर से हो चुका, आधा इधर से होना है। बीज बोआ गया है आज, बगल में भी हमारे यहाँ बो जा रहा है, तो साथ में हमने कहा हम भी बुवाई, क्योंकि अगल बगल जो खेत है वो सब में अगर बुवाई हो जाएगी, मेरा नहीं बुआ पाएगा तो क्या होगा, नहीं बो पाएंगे, इसलिए वो खेत ये खेत तीनों खेत साथ में बोया जा रहा। घबराने परेशान नहीं होगा, हमारी बारी आए वाला बा। हमारे खेत में खाद और बीज आ गया है, अब इंतजार हम कर रहे हैं। बगल में चाचा का ट्रैक्टर से जोता रहा है, मेरी बारी कुछ देर में आने वाली है। चाचा का खेत बोआ गया, अब मेरा खेत बोवाने की बारी हो गई है।
ट्रैक्टर वहाँ तक चला गया है, अभी तक दो राउंड मारेंगे उसके बाद फिर हम सरसों बोएंगे। अब मेरी बारी आ रही है, ट्रैक्टर मेरे खेत में घुसने जा रहा है। सड़ाके अरे भाई अरे अब वो आ गई सरसों बोने की बारी। क्यों मम्मी? हाँ, सरसों बोएगा। कौन बोएगा सरसों? सरसों तो बोना किनारे किनारे जा। सरसों हम बोएंगे। हाँ चलो उठाओ भैया सरसों बो। जरा इसे ना आए ना ना इसे भुरभुराओ जा भुरभुराओ ऐसे मुट्ठी में लेके भुरभुराओ जा जा रोड लेते आओ। तो पहली पहली बार खेत हम बोलिए, बड़ा थकान हो गया। पहली पहली बार खेत बो रहे हैं, पैरों दर्द करने लगा, हथो गड़ो साहब पता नहीं कहें। बहुत तो, मेहनत कर दे रही तो ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बार खेत में लाया हूँ, चल नहीं पा रही हैं, धीरे धीरे किसी तरह से चल रही हैं। बाइक भी अपनी यहीं पर है। गेहूँ बुआ वाला वीडियो कैसा लगा? खेती हमने कैसे की? अब जैसे जैसे, जैसे बढ़ेगा वैसे जैसे दिखाएंगे बताएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट वीडियो था। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब बाखैर।